लाइफ में इतना पॉलिश नहीं किया हूँ हमें जूते को थर्सडे तो आज मैं सुबह से पैकिंग में लगी थी। एक्चुअली रात से मैंने पैकिंग स्टार्ट की है, तो रात को थोड़ा बहुत हुआ था। मतलब लाइक मैं परसों से पैकिंग कर रही हूँ। परसों मैंने डिसाइड किया कि हाँ कौन से दिन पे क्या करनी है, फिर कल जितने भी सामान होते सारा मैंने उसको एक जगह पे गैदर किया। लाइक क्लोथ्स, टॉयलेट्रीज होती है, कुछ खाने की चीज़ें हो गई, बेल्ट हो गए, जूते हो गए, ये सारे मैंने एक जगह पे किए और आज सबको ऑर्गेनाइज किया है। और हाँ, मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था कि मैंने दिखाया था आप लोगों को कि नून से मैंने हैंडबैग बैकपैक मंगवाया है, तो उसमें एक्सपेक्टेड डेट था कि 2 जून को आएगा, बट ये आ चुका है। और मैं थोड़ी सी सैड हो गई थी क्योंकि मुझे मन था कि मैं लेकर जाऊँ इसको, बट ये आई थिंक बाहर से कहीं से शिपिंग हो रही है क्योंकि नून वाले हैं ऐसे। और हाँ, नून की साइड पे आप जब जाइएगा, आपको कोई जल्दी डिलीवरी चाहिए, लाइक आपके पास टाइम है तो इट्स ओके, बट अगर आपको जल्दी चाहिए डिलीवरी, लाइक 1 या 2 डेज में 2 या 3 डेज में ऐसे चाहिए, तो आप लोग वहाँ पे एक नाव करके लिखा रहता है, नून नाव। तो नून नाव वाला जो प्रोडक्ट है वो चूज़ कीजिएगा, तो आपकी डिलीवरी बहुत ही जल्दी आती है। तो ये मैंने गलती से नॉर्मल कर लिया था क्योंकि सेम बैग्स थे, सेम जो मुझे बैग चाहिए था सेम बैग था, वो दोनों में काफ़ी डिफरेंस था। तो आई थिंक वो डिफरेंस यही इसलिए ही था कि ये इसको आने में लग गया ऑलमोस्ट 1 वीक, एंड वो जो बाकी जो प्रोडक्ट थे वो आ गए बहुत जल्दी। बट हाँ, प्राइस डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा था, लाइक ये 38 का था ऐसे नॉर्मल, बट अगर मैं 9 में मंगाती तो ये 63 के थे। तो ये आ गया है और ये मुझे बाहर से देख के तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। लाइक यू कैन नॉट इमेजिन कि आप 38 दिरहम में आपको ऐसे बैग मिल जाएंगे, तो मुझे तो काफी अच्छा लगा ये बैग। हाउ इज इट बेटा? आई डोंट नो कि मटेरियल कैसा है और कितना चलेगा, बट हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी कि मेरा ऐसा है कि मैं कोई ब्रांड फ्रिक नहीं हूँ, कि मैं मुझे लाइक कुछ बड़े ब्रांड की चीज़ें ही पसंद आती है, मुझे जो पसंद आता है मैं ले लेती हूँ। और बैग, क्योंकि मेरा एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि मेरा बहुत जल्दी चीज़ों से मन भर जाता है, लाइक मुझे ना बहुत फ्रिक्वेंटली ये सब चीज़ें लेने का मन होता है, तो ऐसा है। और आई एम रियली हैप्पी विद दिस बैग, जैसा मैं सोची थी इट्स गुड, क्वालिटी वाइज इट्स नॉट सो गुड। मेरा जो ये है, ये जो बैग पैक है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसका जो लेदर है लाइक इट्स मतलब रेक्सिन ही है, बट इट्स रियली फाइन रेक्सिन आप कह सकते हो। ये मैंने लिया था ये थाईलैंड से लास्ट ईयर 2017 में नवंबर में थाईलैंड गई थी मैं, और तब से ये मैं बैग मुझे बहुत पसंद आया था, बहुत अच्छी क्वालिटी है, तब से मैं बैग जो रेगुलरली यूज़ कर रही हूँ। आप लोग बहुत जगह देखे होंगे, मुझे बैग इतना कंफर्टेबल लगता है, बहुत अच्छा है। आप इस तरीके से इसकी क्वालिटी बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो कभी आप लोग थाईलैंड जाते हैं तो वहाँ से हैंडबैग की शॉपिंग जरूर कीजिएगा, वो मुझे वहाँ पे अच्छा लगा था हैंडबैग, एंड काफ़ी सस्ता, तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। बट यूटिलिटी वाइज अगर देखा जाए तो इट्स नॉट सो गुड, क्योंकि इसमें 2 जिप हैं,
लाइक और जिप के अंदर यहाँ पे भी है मुझे, तो उतना मुझे पसंद नहीं आता क्योंकि आप जब अगर ये मतलब यूटिलिटी वाइज देखें तो उतना अच्छा नहीं है उतना, क्योंकि एक ही इसमें कंपार्टमेंट है और एक छोटा सा मतलब आसपास निकलने के लिए ठीक है, बट ट्रैवल कर रहे हैं तो ये काम नहीं आएगा। और सबसे बड़ा इसका डिमेरिट है कि ये बैकपैक ही है, इसको आप कन्वर्ट करके हैंडबैग की तरह नहीं ले सकते, बट ये ऐसा आया है, मैंने जानबूझकर ये ऐसा लिया था कि ये हैंडबैग में भी कन्वर्ट हो जाए, लाइक आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं। अगर आपके पास कुछ बैकपैक है पीछे डालने के लिए तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, अदरवाइज ये हैंड ये आपको बैकपैक की तरह भी काम करता है। तो ये आपको एक बैकपैक की तरह भी काम कर जाएगा ये इस तरह। और अगर इसको बस ऐसे पुल करना है यहाँ पे, एंड ये इस तरीके से भी आप ले सकते हैं, तो आपको जैसा भी पसंद है उस तरीके से इसको यूज किया जा सकता है। तो चलिए इसके अंदर की बात करते हैं। एक छोटा सा सेक्शन है, ये आपको वो जो मैग्नेट वाले होते हैं उससे लॉक है, फिर यहाँ पे एक छोटा सा पीछे सेक्शन है जिसमें आप फोन अपना रख सकते हैं, फिर पीछे एक तो ये इस तरीके का पूरा ओपन हो जाता है, बट ये अंदर से पूरा ओपन नहीं होता है, जो कि मुझे इसकी बेस्ट लगी कि आप, क्योंकि ये जो मेरा बैग है अगर जब खोलो तो पूरा ही ओपन हो जाता है, तो ये अंदर से ओपन नहीं होता है, इस तरीके का ये है। तो यहाँ पे दो सेक्शंस हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, और एक बीच में एक जिप सेक्शन भी दिया हुआ है जो कि काफ़ी, हाँ वी कैन कीप मनी ऐसा श्रेयांश बोल रहा है, तो है ये ठीक ठाक यूटिलिटी, कितने दिन चलता है ड्यूरेबिलिटी का तो मैं नहीं कर सकती बट यूटिलिटी एंड लुक वाइज सुपर। और ये मैं बोलूँगी कि जाइए नून पे और चेक कीजिए। तो ऐसा है एंड आई एम सो हैप्पी मिल गया, तो मैं इसको पैक कर सकती हूँ ले जाने के लिए, तो इटली में आप लोग मुझे ये इस बैग के साथ ही देखेंगे विद दिस क्यूट टेडी। तो आप लोग जरूर जब भी नून पे जाइए तो आप लोग एक बार प्राइस क्रॉस चेक जरूर कर लीजिए, क्योंकि सेम प्रोडक्ट का बहुत जगह पे अलग अलग लिस्टिंग रहती है, तो वो सब आप लोग चेक कर लीजिए। तो वही सब अभी चल रहा है, पैकिंग वगैरह चल रही है, और घर की हालत आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि घर की हालत कैसी हो रखी है। और अभी जस्ट मेरी जिठानी से बात हो रहा था, तो एक्चुअली क्या होता है कि जब आपके पास इतना रिस्ट्रिक्टेड लगेज हो, तीन लोग हैं, थोड़ा सा वेदर जो है वहाँ पे लाइक जो वहाँ का वेदर है वो प्लेजेंट है, बट ठंडी भी लग सकती है, लाइक इन द सेंस कि 12 डिग्री मिनिमम एंड 25 डिग्री मैक्सिमम है, तो दिन में तो नहीं लगेगी बट हाँ रात को ठंडी लग सकती है। तो मैं अभी आप लोग को अपने घर का हुलिया दिखाती हूँ कि वो क्या हो रखा है। तो ये सारे कपड़े हैं जो सेलेक्ट करके रखे थे मैंने, बट अब नहीं जा रहे हैं, और श्रेयांश का यहाँ पे नाइट सूट है, अगर जगह होगी तो मैं ये रेड वाले नाइट सूट डाल दूँगी क्योंकि बहुत क्यूट लगे थे मुझे। तो ये रूम तो आप देख लिया, और यहाँ पर अप्पू सो रहा है, श्रेयांश इसको सुला के गया है अप्पू, और हेयर इज श्रेयांश राज। और ये क्या है बेटा जी, वाई Did you keep here? Go throw in dustbin. Very good boy. और इस रूम की हालत, ये है श्रेयांश का सैंडल पड़ा हुआ है, आई डोंट नो कि हम लोग ले जा रहे हैं कि नहीं, या सूरज आएंगे तब डिसाइड होगा। और ये जो रायता है ये श्रेयांश ने फैलाया, ये नून का आया था तो वो है। तो ऑलमोस्ट घर की हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी है। तो ये है किचन की हालत, यहाँ पे रखा है छाछ जो पीना है मुझे, ये है श्रेयांश का काढ़ा जो क्योंकि उसको सर्दी हो रखी है ना बिटू, और ये मेरा
डिटॉक्स वाटर किसने बोला था मुझे कि इसकी रेसिपी दे, तो मैं आने के बाद इसकी रेसिपी देती हूँ आप लोगों को। और ये है रात का डिनर जो कि मैंने वो क्विक वाली बिरयानी बनाई है। तो चिकन था मेरे पास पड़ा हुआ, तो मैंने ये बना लिया है। आप लोगों को रेसिपी मेरी मिल जाएगी, काफ़ी क्विक से बन जाती है। तो अभी के लिए तो ये डिनर हमारा हो चुका है। और यहाँ पे रायते के लिए मैंने ये निकाल के रखा है, तो रात को रायता भी बना लूँगी। और यहाँ पे बर्तन पड़े हैं वो भी धोने। तो इन शॉर्ट कहा जाए तो मेरी भी हालत और घर की हालत भी बुरी हो रखी है। और अभी मुझे जाना है ये लाइफ फार्मेसी, नॉट लाइफ स्टाइल व्हाट आई एम टॉकिंग। छोटा शैम्पू लेकर आना है, क्योंकि शैम्पू लेकर जाना है तो वो जो छोटे छोटे से होते हैं वो मेरे पता नहीं कहीं तो गुम हो गए, शायद मैंने रांची में एक दो छोड़ दिए तो वो मिल नहीं रहा है। तो वो छोटा शैम्पू लेकर मेरे पास 50 dirham का वो वाउचर है, तो मैं सोच रही हूँ वो यूज़ कर लेती हूँ और बाद में ट्रैवल के लिए भी काम आ जाएगा। और हाँ, साथ में मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है नेजल ड्रॉप वो लेकर आना है। तो मैं और शान सभी जाएंगे लाइफ फार्मेसी, फातिमा वाला जो लाइफ फार्मेसी है उसमें जाएंगे एंड वहाँ से लेकर आते हैं। एंड फिर अभी स्टिल पैकिंग बाकी है। वापस आ गई हूँ मैं घर, और बहुत ज़्यादा गर्मी थी बट ठीक है, अभी स्टार्ट ही हुई है गर्मी। ऐसे भी बहुत ज़्यादा भयानक गर्मी नहीं आई, लेकिन क्योंकि मुझे लास्ट ईयर याद है मई एंड होते होते तक बहुत ही भयानक गर्मी थी। बट इस बार थोड़ा सा डिले हुआ है गर्मी, आप लोग भी फील कर सकते होंगे। तो अभी मैं श्रेयांश को पहले काढ़ा देती हूँ, फिर चाय चढ़ाती हूँ। सूरज बस पहुँचने वाले तो फटाफट उनके लिए स्नैक्स बनाती हूँ, सुपर ईजी चीज़ सैंडविच बना लेती हूँ। और साथ ही साथ बिरयानी के लिए मैं रायता बना लूँगी, तो हो जाएगा मेरा आज रात का डिनर बिल्कुल तैयार। एंड उसके बाद थोड़ी बहुत पैकिंग करनी है, फिर श्रेयांस को खिलाकर और सुला दूँगी क्योंकि उसका कल स्कूल है। तो चलिए मैं फटाफट काम फिनिश करती हूँ एंड आई थिंक चाय एंड स्नैक्स बनते बनते सूरज भी आ जाएंगे। जाने से पहले कल नहीं जाना है जूता, धूल चिपक जाता है ना। थैंक यू, मेरा गिफ्ट कितना ख्याल रख लिया। लाइफ में इतना पॉलिश नहीं किया हुआ मैं। जूते को डेली में पॉलिश करता हूं। ये देखिए सूरज मेरे दिए हुए गिफ्ट का कितना ख्याल रखता है। मतलब लोग पहनने से पहले पॉलिश करते हैं, ये पहनने के बाद भी पॉलिश करते हैं और पहनने से पहले भी पॉलिश करते हैं। मैंने इतना महंगा जूता नहीं पहना हुआ। अभी तक आ गया मुझे।
और आने के बाद इस तरीके से 10 मिनट तक मस्ती चलती है और मैं हल्ला करती रहती हूँ कि प्लीज़ पहले खा लीजिए क्यों कुछ, क्योंकि दिन भर के वो कुछ नहीं खाए होते, तो ऐसा ही चलता रहता है। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो, अगर पसंद आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड बहुत सारा प्यार दें मुझे ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।